Now वो विल लुक इन टू हाउ टू कन्फिगर OSPF एस पी एफ वर्जन टू पर्टिकुलरली इन ए सिंगल एरिया एनवायरमेंट सो जो पहले जो हमारे पास इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले जो हमारे पास नेटवर्क टपोलॉजी है दिस इज एन ओ रेफरेंस नेटवर्क टपोलॉजी जो कि हम यूज करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर कन्फिगर करने के लिए ओ वर्जन टू सिंगल एरिया ओ वर्जन तो इस पर्टिकुलर के अंदर हमारे पास तीन हैं आर वन आर टू एंड आर थ्री राइट सो इसको हम यूज करके देखते हैं किस तरह कन्फिगर करते हैं और एक ही सिंगल एरिया है तो एक ही एरिया है एरिया जीरो के नाम से जो कि हमने देखा ये बैकबोन एरिया कहलाता है एरिया जीरो तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी आप ना करें कुछ भी ना करें सिंगल एरिया जो है उसके अंदर उसको एरिया जीरो असाइंड होता है सो so, सबसे पहले जो कन्फिगेशन मोड में जाना होगा आपको ओ एस पी एफ की दिस इज द कमांड कन्फिक्ट uh, टर्मिनल के बाद आप राउटर ओ एस पी एफ और ये आप जो प्रोसेस आई डी देंगे ओबियसली ये प्रोसेस आई डी है दैट कैन यू नो बी लाई बिटवीन वन एंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फाइव और ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो चूज करता है ये लोकली सिग्निफिकेंट होता है और ऑब्वियसली बाकी जो ओ एस पी एफ राउटर्स है उनके साथ इसका मैच होना जरूरी नहीं है इस पूरे उसके अंदर मॉड्यूल uh, के अंदर हम सेम प्रोसेस आई डी यूज करेंगे विच इज टेन कंसिस्टेंसी के लिए सो अब राउटर आई जो होता है वो उसकी जो ऑर्डर ऑफ प्रोसीडर्स है वो ये होती है कि अगर आपने एक्सप्लिसिटली असाइन नहीं किया हुआ uh, तो फिर आप जो है उसके पास आपके पास ऑप्शन हैं वो एक आप यहाँ तो डूबैक इंटरफेस कन्फिगर कर सकते हैं अगर आप कर देंगे तो आपका वो यूज़ होगा एज ए राउटर आई और अगर आप डूबैक इंटरफेस भी नहीं कन्फिगर करते तो जो हाइएस्ट एक्टिव कन्फिगर्ड आई एड्रेस है उस राउटर के ऊपर के जो इंटरफेसिस हैं उसका जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस है वो सिलेक्ट हो जाता है एज ए ओ एस पी एफ राउटर आई फॉर दैट राउटर और अगर मैं एक्सप्लिसिटली इसको कन्फिगर कर दूंगा तो फिर जो है उसको जो है एज ए राउटर आई के तौर तो पर वो यूज होगा इसकी फ़ायदा क्या होता है ओ एस पी एफ के जब मैसेज एक्सचेंज हो रहे होते हैं तो वो उसमें जो है उसमें जो राउटर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें जो है राउटर आईडी से यूनिकली राउटर जो है वो डिफाइंड uh, होता है और जो लिंक्स है डाटा बेसिस होते हैं वो इस ओएस राउटर आई डी को यूज करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक राउटर से दूसरे राउटर को बाय डिफॉल्ट जो है वही हाईएस्ट जो आईपी एड्रेस है वो यूज होता है एक्टिव इंटरफेस के ऊपर किसी भी राउटर का स्टेबिलिटी uh, रीजन के लिए रिकमेंडेड किया जाता है कि आप जो है एक्सप्लिसिटली राउटर आईडी जो है वो सेट करें बाय यूजिंग दिस कमांड राउटर आईडी डी जो कि हम आगे जाके देखेंगे किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं ंग एन ओ एस पी एफ राउटर आई डी और ये राउटर आईडी जो कि हम असाइन करेंगे आर वन को आर टू को ये राउटर आई डी साइन करेंगे और आर थ्री को ये वाला राउटर आईडी हम असाइन करते हैं सो दिस इज द कमांड सबसे पहले तो मैं कन्फिगरेशन मोड में जाऊंगा ओ एस पी एफ की उसके बाद में राउटर आई डी कमांड यूज करके उसको आई डी दूंगा आगे से और फिर जो है मैं एग्जिट uh, जो है करूंगा और दिस इज द कमांड टू बेसिकली चेक द प्रोटोकॉल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ आप देखें राउटर आईडी जो है वो सेट हुई हुई है which is 1 .1 .1 .1. और अगर आपने मॉडिफाई करना हो राउटर uh, आईडी को तो so, uh, आपने जो है उस कन्फिग्रेशन मोड में जाएंगे आप और फिर आप राउटर आईडी चेंज करेंगे let's say one point आपने चेंज किया और प्रीवियसली कोई और राउटर आई थी अब आपने राउटर आई चेंज की है तो वो आपको एक जो है वो कमांड देता है कि OSPF reload रीलोड या क्लियर IP OSPF process use प्रोसेस यूज करें जो है अगर आपने राउटर आई डी को मॉडिफाई करना है सो यू कैन एग्जीक्यूट दिस कमांड क्लियर आई पी ओएस पी एफ प्रोसेस और जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो है वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको कन्फर्म करेगा कि आप कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसके बाद जो है वो रीलोड होगा आपका जो है राउटर है और फिर जो है वो राउटर आई डी को सेट कर देगा जब आप ये कमांड चलाएंगे दोबारा आईपी प्रोटोकॉल सेक्शन राउटर आई डी तो आपको यह दिखा देगा चेंज इसका फायदा यह होता है क्योंकि आई डी जो पहले सेट हुई हुई होती है वो यूज हो रही होती है लिंक स्टेट डेटा बेसिस की जब एक्सचेंजेस हो रही होती हैं एल एस ए की एक्सचेंजेस हो रही होती हैं एल एस यू की एक्सचेंजेस हो रही होती हैं उसमें ये राउटर आई डी यूज हो रही होती है इसीलिए एडजस्टेंसीज बनी हुई होती हैं उनकी कंफ्लिक्ट को खत्म करने के लिए आपको पहले रीलोड करना पड़ता है ताकि प्रोसेस सारे क्लियर हो जाए क्लीन हो जाए तब आप जो है राउटर आईडी को मॉडिफाई कर सकते हैं जिसकी वजह होती है लूप बैक अगर आपने एक्सपेसिडली सेट नहीं करना तो आप लूप बैक इंटरफेस के थ्रू जो है वो भी सेट कर सकते हैं राउटर आईडी की कमांड है इंटरफेस लूप बैक जीरो और आई एड्रेस जो है आपने दिया और उसका आपको सबनेट मास जो है ऑल वंस जो है वो देने होता है सबनेट ये इसकी रिक्वायरमेंट है अगर कोई ओ एस इंटरफेस के ऊपर आपने इनेबल करना है ताकि ओ के जो मैसेजेस हैं वो एक्सचेंज होना शुरू हो उस इंटरफेस के ऊपर और वो इंटरफेसेस जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करें ओ एस पी एफ डायनामिक राउटिंग के अंदर तो उसमें जो हमारे पास कमांड है वो नेटवर्क की कमांड है जिसके बाद आप नेटवर्क का एड्रेस देते हैं और वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं और उसके बाद एरिया और एरिया का आई देते हैं कोई भी इंटरफेस को आप आप ला सकते हैं एनेबल कर सकते हैं ताकि वो ओ राउटिंग प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट कर सके और जिसमें भी जो नेटवर्क एड्रेस मैच करेगा वो जो है एनेबल कर देगा मैसेजेस को इसमें अगर हम देखें जो वाइल्ड कार्ड मास्क है ये आप किस तरह निकालते हैं आपको पास जो है उस पर्टिकुलर जो है नेटवर्क का सबनेट मास्क होता है उसको आप सेपरेट करते हैं जो है सबनेट इसके साथ ऑल टू फिफ्टी ऑल वंस के साथ तो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो मिल जाता है एंड दिस इज वट यू विल बी प्रोवाइडिंग हेयर एज ए पैरामीटर नेटवर्क की कमांड के अंदर तो इसको हम इनवर्स ऑफ सबनेट मास भी कह सकते हैं सो so, अगर आपके पास ये है राउटर ओएसपीएफ आप कॉन्फिगर बोर्ड में गए आपने राउटर का आईडी सेट किया और ये जो है अब आप एनेबल कर रहे हैं ओएसपीएफ को इस इंटरफेस के ऊपर कौन सा इंटरफेस है ये 172.16.1.0 ये वाला इंटरफेस है देखें इसमें जो सबनेट मास्क है उसकी कितनी बिट्स हैं 24 है राइट right? सो ट्वेंटी फोर और हम अब भी देखेंगे अब जब हम इसका एक्टिविटी भी करेंगे तब भी आपको इसमें और आ, आपकी लर्निंग हो जाएगी कि किस तरह जो है आप ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क है ये आप कैलकुलेट करते हैं उसने तो सप्रेक्ट किया इसको तो इसमें टू फिफ्टी फाइव आ गया और एरिया जो है वो बाई डिफॉल्ट जीरो ही होता है क्योंकि एरिया जीरो है आपका सिंगल एरिया है सिमिलरली थ्री डॉट जीरो इसके लिए इसमें थर्टी है तो थर्टी का मतलब है हमारे पास दो बिट्स बचती हैं होस्ट के लिए इसका जो सबनेट मास्क होगा वो आपका जो है वो 250 जो है वो टू होगा तो 252 फिफ्टी टू माइनस टू फिफ्टी दिस इज द वाइल्ड कार्ड मास्क एंड द सेम डॉट फोर सो अब हम देखते हैं कि एनेबल करने के बाद ऐसे कुछ इंटरफेसेस होते हैं जहां ओ के मैसेजेस जो हैं वो जाना जो है उसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि वो लैन इंटरफेसेस होते हैं और जहां और कोई राउटर्स मौजूद नहीं होते तो इसीलिए वहां भेजने की जरूरत नहीं है तो हम उन इंटरफेसिस को पैसिव कर देते हैं सो so, उसका बड़ा फायदा होता है एक तो जो है आ, आ, आपका इनएफिशेंट यूज ऑफ बैंडविड्थ आप अवॉइड कर सकते हैं सिमिलरली आपके रिसोर्स जो हैं अगर आप भेज रहे हैं और आप उसको आपने इंटरफेस को पैसिव नहीं किया तो आपकी जो है रिसोर्स भी काफी ज्यादा इनएफिशेंटली यूज हो रहे हैं और वेस्ट हो रहे हैं सिमिलरली आपका सिक्योरिटी जो है वो भी रिस्क बढ़ जाएगा अगर आप उन इंटरफेसेस के ऊपर Uh, जो है वो मैसेजेस ओ uh, के भेज रहे हैं जहां और राउटर्स मौजूद नहीं है तो हम उन इंटरफेसेस को पैसेव कर देते हैं सो नाउ लेट्स लुक इनटू द यू नो द कमांड हाउ यू कैन कन्फिगर एन इंटरफेस एंड मेक इट अ पैसिव इंटरफेस तो आप कन्फिगरेशन मोड में जाएंगे उसके बाद आप ये कमांड लिखेंगे पैसिव इंटरफेस की कमांड और आगे आप उस इंटरफेस का बताएंगे कौन सा इंटरफेस को आप पैसिव इंटरफेस कर रहे हैं सो so ये वो वाला इंटरफेसिस को हमने पैसिव किया और सिमिलरली ये वाला इंटरफेस है जिसको हम पैसिव कर रहे हैं इस कमांड के अंदर अगर आपने वेरीफाई करना हो तो उसके जो है आपके पास शो आईपी प्रोटोकॉल सेक्शन वो तो आपको वो वाले इंटरफेस दिखा देगा जो कि आपने पैसिव कर दिया सो ओ एस पी एफ वर्जन टू सिंगल एरिया उसकी जो कन्फिग्रेशन है वो हमने देखी इस मॉड्यूल के अंदर कि वो किस तरह करते हैं उसमें जो है हमने uh, जो है कन्फिगर मोड भी देखा किस तरह ओ एस पी एफ मोड में आप जाते हैं फिर आप किस तरह जो है उस राउटर आईडी असाइन करते हैं ओ की आप जो है उस कौन कौन से इंटरफेसेस के ऊपर आप किस तरह जो है उसमें उनको एनेबल करते हैं कि ओ एस के जो मैसेजेस हैं वहां उनसे उनकी जो एक्सचेंज है वो स्टार्ट हो जाए उन इंटरफेसेस के ऊपर और फिर जिन इंटरफेसेस में जरूरत नहीं है ओ एस मैसेजेस को सेंड करने की उनको आप किस तरह पैसे करते हैं हमने वो देखा कि किस तरह उसको कन्फिगर किया जाता है